एब्सिसा, एब्सिसा एब्सिसा, एंड कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो आपको ये जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू एक्स की प्लेस पे, वाई की वैल्यू वाई की प्लेस पे पुट करनी है। इज इट क्लियर? अब सही एक्स है, के प्लेस पे हमने जीरो यस। पुट किया, वाई के प्लेस पे एट पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन बिकम्स दिस, 2 × 0 इज जीरो। जीरो जीरो बच्चे, टू नहीं जीरो लिखना है इसको, टू नहीं लिखना है इसको, राइट? ये जीरो है जी। 0 + 8k - 12 = 0। सो एट जीरो माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे हम। आगे सॉल्यूशन निकालना तो आता है ना यस आप लोगों को। k यस इज इक्वल टू 12/8, 4 × 2 = 4 × 3 = तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3/2 3 अपॉन टू।3.2 यस हैव यू अंडरस्टूड किस तरह से? यस इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट सर, डाउन। नोट डाउन बेटा सर, ऑलरेडी नोट डाउन। यहाँ पे 0 = 0 कर लेना। ठीक है बच्चों, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बच्चों यस हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्ड प्रॉब्लम और एज रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। आफ्टर 5 years एज ऑफ मदर विल बी 3 times द एज ऑफ हर सन। रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए बच्चों, जब भी आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, उसकी स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन की फॉर्म में करना है। सो प्लीज डू दैट। मैं आपको एक बड़ा यूनिक सा मेथड बता रहा हूँ, दैट इज हमने पहले किया बच्चे ये वाला, बाय यूजिंग सर द नंबर लाइन। नो ओके, देखिए बच्चों कैसे करते हैं। नाउ हमारे पास दो मदर है और डॉटर है एंड सन है, सर ठीक है? हमने क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेना, लेट द एज ऑफ मदर बी वाई एंड एज ऑफ सन बी एक्स। प्रेजेंट एजेस कर दी इनकी, तो प्रेजेंट एज को आपने जैसे 0 मार्क होता है ना आपका नंबर लाइन पे, तो 0 मार्क कर दिया। सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज वाई एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स। एक्स इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? आफ्टर 5 years मीन्स 5 ऐड करना है। सो आफ्टर 5 years मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? बाय 5y कौन बोल रहा? बाय हु सेज 5y बेटा? बाय बेटा आपकी एज जो है अभी, सपोज आपकी एज आप क्लास में हो 15 years है, आफ्टर 5 years इट विल बी 5 times। 5 years के बाद योर एज विल बी 75 years। और सर फिफ्टी नो फाइव प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस बेटा मल्टीप्लस भी डाउट हो ना अपने ऊपर अप्लाई कर, राइट? सो यू विल गेट द आइडिया, राइट? सो फाइव आफ्टर 5 years मदर एज विल बी वाई प्लस 5 एंड सन एज विल बी एक्स प्लस 5। यस नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? यस आफ्टर 5 year एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर इज दिस विल बी 3 times द एज ऑफ हर सन। ये बन गई बच्चों इक्वेशन, ये बन गई। यस इसको सॉल्व कर लो जी, आगे यस सिंपलीफाई फॉर्म में बना लो बच्चे इसको। 3x+15, राइट? एक्स को इस तरफ ले आए आप, इसको सॉल्व कर ले बच्चों। एक्स को टेक, एक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड 5 on the right side, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? y - 3x = 10। दिस विल बी द इक्वेशन। समझ में आ गया सबको? किसी किसी स्टूडेंट यस को कोई डाउट है तो प्लीज टेस्ट। सर,
एनी डाउट्स बच्चों, यू नो कैन आस्क द क्वेश्चंस। नर्सरी नीचे नहीं जाएगा 10 के? हाँ जी, सर 3x का 3 नीचे नहीं जाएगा सर? कौन सा नीचे जाएगा बच्चे? ट्रांसपोजिशन अच्छा, कैसे करते हैं? ये हमारे पास लिखा हुआ है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, राइट। जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो वो डिवाइड होता है या ट्रांसपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टर्म्स, मतलब शिफ्टिंग ऑफ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जब शिफ्टिंग करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना बेटा। डिनोमिनेटर में कब जाता है? व्हेन इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आर वी डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? सर नो वी आर शिफ्ट नो द साइड्स। सो व्हेन यू विल शिफ्ट इट साइड, इट विल बिकम माइनस माइनस 3x, एंड 5 विल बी ऑन दैट साइड। 15 माइनस 5 विल बी, 15 माइनस 5 विल बी 10 10।10 सबको क्लियर हो गई इक्वेशन जी? चलो यस क्वेश्चन पे चलिए यस जी। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के तरह है। चेक वेदर दिस पॉइंट इज ए सॉल्यूशन। अब उस क्वेश्चन में क्या था कि यू वाज गिवन कि दिस पॉइंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस पॉइंट इज ए सॉल्यूशन। पॉइंट क्या गिवन है? √2, √3। मीन्स दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। पुट करके बताइए मुझे कि इज द सॉल्यूशन और नॉट। प्लीज ट्राई बच्चों। चले बच्चों आगे। हाँ जी, हो गया चेक। देखिए बेटा, आपने इस पॉइंट को एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया, माइनस 3 इंटू, राइट। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और वैल्यू पुट कर दी। सो दिस बिकम्स √2 माइनस 9√2। सो इट बिकम्स, यहां तो कोई डाउट? इज इट क्लियर बच्चों? तो बेटा इट इज नॉट इक्वल टू 9, हेंस दिस पॉइंट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। दिस इज आल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। प्लीज ट्राई योर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। प्लीज ट्राई बच्चों। मिक्स कर रही आएगा सर? हाँ जी, कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं बच्चों। 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, एक्स के प्लेस पे 4, 6 6 आ रहा है। सब कुछ डिफरेंट आ रहा है, चेक कर लेते हैं जी। 12 है। माइनस 3a इक्वल टू 6, 3a इक्वल टू 6 माइनस क्या बच्चों? तो ए इज इक्वल टू
विच इज बच्चे, टू। ना थ्री आ रहा है ना फोर आ रहा है, टू आ रहा है आंसर दो। सर सॉरी यार, सर ये सर टू आ रहा है, सर टू है हमारा, करेक्ट टू आ आंसर, रहा है सर। टू इज द करेक्ट आंसर, राइट। सर यस आगे चले बच्चों, यस 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 हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? ये तो बहुत सिंपल यस क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से कीजिए बच्चों। माइनस और प्लस से काट। बेटा 2x+7 इज इक्वल टू 3x-5। ठीक हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 12 12। सर, 12 यस, 12 सर, इज द करेक्ट। 12 12 देखिए कैसे आई, जिन्होंने नहीं किया बच्चों। 2x+7 इक्वल टू, हाँ ट्वेल्व जी 12, ठीक है बेटा। टेक 2x ऑन दैट साइड और -5 ऑन दिस साइड, 3x-2x, सो 12 इक्वल टू एक्स, राइट बच्चों। यस हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, इसकी जरा मुझे इक्वेशन बना के दीजिए जरा प्लीज। मेक ए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट। हाँ जी बच्चों, हो जाएगा। द मनी डोनेटेड बाय टू फ्रेंड्स यश एंड जेम्स टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट इज ₹500, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जी हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे इसको? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 500। बेटा ये किसने बोला एक्स प्लस वाई? अपना जरा कैमरा ऑन कीजिए, कौन है? हाँ जी, हु इज दिस? मानिक, कौन है बच्चे? प्लीज टेल मी योर नेम। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500। हाँ जी बच्चों, कौन था ये जिसने बोला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500? गायब ही हो गए बच्चे। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, एक्स प्लस वाई, ठीक है। लेट से लेट यश कंट्रीब्यूटेड वाई एंड जेम्स कंट्रीब्यूटेड रुपीज एक्स, तो दोनों का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आया? 500। फाइव तो पार्ट ऑफ एक्स प्लस पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू 500, सो इट विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500। दिस इज द राइट इक्वेशन। हंड्रेड नाउ सेकंड, राइट इट्स टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस क्या होंगे बच्चों इसके? हाँ जी बच्चों, व्हाट विल बी टू सॉल्यूशन, टेल मी। और एक्स प्लस वाई
बेटा सिंपल है ना, एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो, लेट एक्स इज 100, तो वाई कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? यू पुट सम वैल्यू ऑफ एक्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स को अगर हमने 100 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 400 400, राइट? 400 तो वाई इज 400। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया 100 कॉमा सेकंड एक्स सॉल्यूशन। की वैल्यू कैसे है? 100 बेटा सपोज किया हमने, सपोज वट आया सर, लेट लेट बोला है ना इसके साथ में, लेट एक्स इज इक्वल टू 100। बच्चे जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो यू सपोज और यू लेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इज इट क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर? चलिए मैं चलो आपको, हाँ जी बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए बच्चे, प्लीज। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बोलिए बेटा। पीछे देख देखिए बच्चों, देखिए बेटा, देखिए हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500। हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं दैट आई विल टेल यू। बच्चे एक टेबल बना लेते हैं, ये आई थिंक आप लोगों ने ग्राफ प्लॉटिंग वाला काम किया नहीं अभी। जब इसका टेबल बना दिया हमने तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स की वैल्यू लेते जाते हैं और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 100 ली तो वाई कितना आया बच्चों हमारे पास? 400 400 400 तो एक और 400 राइट। दूसरे केस में हम एक्स की वैल्यू लेट से 200 ले लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, हंड्रेड ठीक है। थ्री हंड्रेड राइट। अब मैंने दो यस पॉइंट्स लिए, आप ग्रेट। एक पॉइंट और भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, अब इनसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं देखिए जरा। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं बच्चे देखिए जरा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। दिस इज 0 मार्क, दिस इज 100, 200, 300, 400, सिमिलरली हेयर 100, 200, ये 300 हो जाएगा बच्चों, एंड दिस इज 400, राइट। हमारे पास ओनली हंड्रेड पॉजिटिव ही था। फर्स्ट पॉइंट क्या आया था बच्चों? ये वाला फोर 100, 100 कॉमा 400 कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 100 है और वाई कोऑर्डिनेट 400 है, तो इस इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट, ये आ गया बच्चों, सीरियस नजर आ रहा है सबको या नहीं? दूसरा यस पॉइंट क्या था? यस 200 कॉमा 300 दूसरा पॉइंट ले लिया बच्चों, एक्स इज 200, वाई इज 300। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया? दिस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500 का ग्राफ कैसे बन रहा है बच्चे? इट्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समझ में आ रहा है, राइट? यस इस यस यस ग्राफ पे अगर सर प्लीज अगेन विच पार्ट बेटा? सर फुल पार्ट फुल पार्ट। अच्छा जी, दोबारा कर देते हैं बेटा। ग्राफ पार्ट सॉरी लो जी, दोबारा कर देते हैं बेटा। देखिए बच्चों, आप ठीक हैं? ये 0 पॉइंट आ गया बेटा, 100, 200, 300, 400, 100,
200। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग। एक्स इज 100, वाई इज 400। इन दोनों के परपेंडिकुलर्स जहां पे मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बेटा हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग कर चुके हो? सर यस यस सर यस। यस पॉइंट तो प्लॉट करने आपको आते होंगे ना। सर पॉइंट यस ऐसे प्लॉट यस कर दिया। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट पे आ गए। एक्स इज 200, वाई इज 300। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया बेटा। नाउ इफ यू वांट टू टेक मोर सॉल्यूशन यू कैन आल्सो टेक। सपोज कीजिए एक्स इज 300, व्हेन एक्स इज 300 तो वाई की क्या वैल्यू आ रही है? 200 200। तो एक पॉइंट चलो और प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज एक्स 300, वाई 200। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया, राइट? नाउ व्हेन एवर यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ, आप जितने भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं, दे ऑल शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सो दैट मीन योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग। तो ये बन रहा है बच्चे ग्राफ। यस नाउ यस दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यस व्हाट वाज आर प्रॉब्लम? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 500। 500 मीन क्या है? एक्स जो है वो मनी किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, यश का या जेम्स का? यश का हमने जेम्स वाई जेम्स का जेम्स एक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आएगा, जैसे 300 एंड 200। सो एक्स डोनेटेड रुपीज 300 एंड वाई डोनेटेड रुपीज 200। 200 ये जो सारे पॉइंट्स हैं बच्चे, दीज रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑफ देम। इज इट क्लियर? सर यस कोई डाउट सर बच्चों? यस नो नो सर चलिए नो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन था। अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। जैसे आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कीजिए बच्चों ये क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। मेरे को पहले आप m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बेटा। ये किस दस बेटा, जी जिसकी आवाज है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो आपकी। वैसे सर एम इज इक्वल टू 7 m सर इज इक्वल यस टू एम सेवन इज सर इक्वल टू यस 7 सेवन। 7 सोचो सर, m इज इक्वल टू 7 सेवन। एम इज वेरी, इक्वल चलो मतलब इसका मतलब कि काफी लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। सर यस आगे समझ सर आ गया जी। अब यस एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास? ये बन रही है बच्चों, सर 2x+3y इक्वल सर यस। यस नाउ यस क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके टू या थ्री सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करना है, जैसे अभी हमने किया था। कैन यू ट्राई दिस? इसके टू मोर सॉल्यूशन निकालिए, प्लीज यस फाइंड इट्स टू मोर सॉल्यूशंस। ओके सर हाँ जी, हो गया सॉल्यूशन। सर नो
आप वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है बेटा। हाँ जी बच्चों, आया सॉल्यूशन या नहीं? एनीवन कुड फाइंड एनी सॉल्यूशन? चलिए देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन तो ये वाला है, तो मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ। एक्स इज टू, वाई इज वन। हमें कोई और सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, राइट? सो व्हाट वी कैन डू यस नाउ, कैन वी टेक एक्स एज माइनस वन? एक्स को माइनस वन सर, लेके देखिए बेटा क्या सॉल्यूशन आ रहा है। व्हेन यू टेक एक्स एज माइनस वन, जस्ट चेक व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ। हाँ जी बच्चों, टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए बच्चों। एक्स के प्लेस में माइनस वन पुट किया, ये सर थ्री, आ गया। कितने बच्चों का यस थ्री आया? जिनका नहीं आया तो वो देख लीजिए कैसे आएगा बेटा। थ्री सर, थ्री आ गया। सही, थ्री आ गया। यस यस, एक चलिए, सॉल्यूशन यस। मिल गया बेटा। अब और सॉल्यूशन निकालिए जरा। और सॉल्यूशन निकालिए बच्चों। इसको मैं रब कर रहा हूं जी। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास, फाइंड आउट सम मोर सॉल्यूशंस। कुछ और वैल्यू लीजिए बेटा। सर हाँ जी बच्चों, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। नाउ टेक वाई एज माइनस वन। अब वाई को माइनस वन ले लीजिए, बताइए क्या सॉल्यूशन आ रहा। फिर टेक वाई एज माइनस वन, थ्री थ्री आ रहा है? चेक कर लो यार, थ्री तो नहीं आ रहा है। वाई को अगर आप माइनस वन ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? फाइव, सर फाइव, फाइव सर आ रही है। फाइव, सर फाइव, सबकी सर फाइव आ रही फाइव। है। जिनों का नहीं हुआ बेटा वो देख लीजिए जरा। -3 इक्वल टू 7। सर फाइव आ रहा है, सर फाइव आ रहा है। चलो जी, हमारा फाइव आ रहा है, सर एक सॉल्यूशन ये हो गया। फाइव आ रहा अब एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब आपको समझ आ गया ना बेटा, कैन यू फाइंड वन मोर सॉल्यूशन? सर।
जल्दी से कीजिए बेटा। सर एक्स इज इक्वल्स टू -4 एंड वाई इज इक्वल्स टू 5। वाई को आपने 5 लिया तो एक्स कितना आ गया? -4। वाई को 5 लिया, एक्स -4, एक सॉल्यूशन ये आ गया जी। देखिए जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं बता देता हूँ बेटा, एक्स को -4 लिया, दिस इज -8, -8 उधर जाके प्लस हो गया बेटा, तो 3y इक्वल टू 15। तो यहां से y कितना आ गया? समझ में आया बच्चों? यस यस। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, कैन यू प्लॉट इट्स ग्राफ? कीजिए यस ग्राफ प्लॉट कीजिए जरा। सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, टेबल बन गई है बच्चे, एक से भी ज्यादा मतलब 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं, सो वेरी इजीली वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ। राइट कीजिए बच्चों ग्राफ प्लॉट इसका। हाँ जी बच्चों हो जाएगा ग्राफ प्लॉट। यहाँ पे आपको माइनस कोऑर्डिनेट्स भी लेने हैं, प्लस कोऑर्डिनेट्स भी लेने हैं, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट? हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट 5 है, 1 2 3 4 5, और वाई भी 5 है मैक्स, 1 2 3, लेट्स से इट इज 5, एंड ऑन दिस साइड -1 -2, वाई -1 -2। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? यस हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे 2,1, दिस इज x2 y1, तो दिस पॉइंट विल बी हेयर, इज इट क्लियर? यस साथ के साथ बनाते रहो बच्चों। नेक्स्ट x-1 एंड y 3, दिस इज -1 दिस इज 3, सो दिस पॉइंट विल बी हेयर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट यस नेक्स्ट पॉइंट इज 5,-1, एक्स इज 5, वाई इज -1, सो दिस पॉइंट विल बी हेयर, इज इट क्लियर? यस नेक्स्ट इज यस x-4 एंड वाई इज, फाइव तो ये यहां पे आ गया हो। आप देखो ये देखने में लग रहे हैं बेटा सारे पॉइंट एक ही लाइन में, ऑल सही यस द पॉइंट्स आर यस राइट। सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? व्हेन यू यू सी यस दैट पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग सही इक्वेशन, समझ में आया बच्चों? यस आप रैंडमली ना ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना, कोई भी पॉइंट लेना इस लाइन के ऊपर, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करना, यू विल गेट द बोथ साइड्स इक्वल, राइट? हैव यू अंडरस्टूड? आगे चले बच्चों।
यस सब लोगों ने ड्रॉ कर सही लिया ग्राफ। यस आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ठीक है। नाउ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल व्हिच लाइज ऑन द ग्राफ। अब आप पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या है बेटा। तो एक ये इक्वेशन गिवन है, राइट? और ये टेबल में कुछ पॉइंट गिवन है, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1, -2, देन 0, देन 1, राइट? ये 5 पॉइंट्स गिवन है बच्चों आपको। यू हैव टू चेक आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स विच आर द पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस लाइन और विच सेटिस्फाई दिस लाइन, दिस इक्वेशन। ठीक है जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस और नो? बड़ा सिंपल सी चीज है। इस पॉइंट को सही इसमें पुट कर दो, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो देन इट सेटिस्फाई, अदरवाइज नॉट। जल्दी से करिए ये क्वेश्चन जरा। सर सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर कर देखना है। नहीं, प्लॉट नहीं करना सर बेटा, फर्स्ट करना वाला सर है पुट फर्स्ट करके देखना है। जैसे मैं करा देता हूं आपको, जैसे फर्स्ट पॉइंट को पुट किया, एक्स के प्लेस पे -1, वाई के प्लेस पे -2, तो व्हाट दिस बिकम, -1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 2, यह भी 0 आ गया, दोनों तरफ 0 आ गए बेटा। दिस पॉइंट सेटिस्फाइज, ठीक है, इस तरह से करना है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सर सेकंड आल्सो सेकेंड आल्सो, जो चलिए मैंने इसको भी टिक लगा दिया। थर्ड पॉइंट चेक कीजिए जी, सर वो भी वो भी कर रहा है, चेक कर लो। यस वो तो नहीं कर रहा बेटा, मुझे तो सर समझ, नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा? सोचो सर इस सर कर रहा है सर पहले, कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोचने, नहीं कर रहा 4 आ रहा है सर फोर आ रहा नो है। यस 4 आ रहा है दिस यस पॉइंट विल नॉट सेटिस्फाई। देखिए कैसे बच्चों, 2 इंटू 1 -2, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, डज सही है सही नॉट सेटिस्फाई। है यस ठीक है बच्चों, सर राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चेक कीजिए। नेक्स्ट भी नहीं कर रहा नेक्स्ट भी नहीं कर रहा? ओके, नो नेक्स्ट भी नहीं कर रहा जी। सर नेक्स्ट लास्ट कर रहा है लास्ट कर रहा है लास्ट कर रहा है जी, वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर लिया है ये, प्लीज? एनीवन हैज एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी बच्चे। सबको करना आ गया बच्चे तो चेक? सही यस यस, प्लीज है एनी डाउट कैन आस्क द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ चेटी जी, अगेन ए स्टेटमेंट क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जाज एंड 1 बर्गर इज ₹450। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाइए बच्चों। फॉर्म इट्स इक्वेशन, सर 2x+y इज इक्वल्स टू 450 रुपीज व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, एक्स सर एक्स इज द कॉस्ट ऑफ वन इक्वल टू पिज्जा पिज्जा वाई एंड इज द कॉस्ट वाई ऑफ इक्वल वन टू बर्गर। बर्गर वेरी गुड बेटा, हमने क्या बोला, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा इज ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज
रुपीस वाई। रुपीज वाई। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टू पिज्जा? टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स अरे प्लस वन बर्गर। अरे सतपाल सिंह बेटा आपका आ गया है हमारे पास। जो भी बच्चा होगा एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग विल बी सेंड टू द प्रिंसिपल मैम, राइट? सो नीड नॉट टू वरी, राइट बच्चों? 2x + y इज इक्वल टू 450, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ ग्राफ यू कैन लेटर ऑन ड्रॉ योरसेल्फ, ठीक है बच्चों? ग्राफ आप लोग आप बाद में प्लॉट कर लेना इसका। सो वी मूव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या शो करना है बेटा? ये सेम क्वेश्चन है बच्चे जो अभी पीछे टेबल वाला क्वेश्चन था ना, कि चेक करना है कौन कौन से पॉइंट्स जो है इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें शो करना है कि दीज ऑल पॉइंट्स लाई। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, चेक करो कि ऑल दीज पॉइंट्स लाई और नॉट। फर्स्ट पॉइंट चेक कीजिए बेटा। पाल सिंह को निकाल दो इसको, जस्ट नीचे चलो। ये रहा। है निकाल दी। सबकी बात सडन म्यूट कर दो, सबको म्यूट ऑल कर। सडन हाँ जी स्टूडेंट्स, ये करो जरा। यस सडन ओके बच्चों, सो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइज और नॉट? देखिए यस बच्चों, आपने जब फर्स्ट पॉइंट में वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? टू। सेम है जी सॉल्यूशन। सेकंड यस पॉइंट पे आ जाइए जी, आपने एक्स की वैल्यू पुट की -1, तो दिस बिकम -1 -7, अगेन इट इज इक्वल टू, दिस -16 इज आल्सो करेक्ट। सो यस ये 0, तो ये बन गया 0 -7। सो -7 ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप पहले तो ये क्वेश्चन रीड कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया जी क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्या है? यहाँ पे कॉमा है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू सी। यू हैव टू पुट दिस पॉइंट इन द फर्स्ट पेयर एंड दैट पॉइंट इन द सेकेंड पेयर। देखिए बच्चों मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन आपको। आपने ये वाला पॉइंट पुट किया जी यहाँ पे, व्हाट इज द पॉइंट? एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू 0। जब यहाँ पे पुट किया, सो दिस बिकम्स 3a + 2 × 0 इक्वल टू 6। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 6 आ रही है या 2 आ रही है? टू आ नाउ रही है टू आ रही है टू आ रही है। नाउ पुट द सेकेंड पॉइंट इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो क्या बन रहा है बच्चा? एक्स इज 0 टू
तो दिस बिकम 0 माइनस 2b इक्वल टू 10, तो -2b इक्वल टू 10, सो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -5 ये सॉल्यूशन आ गया बच्चों, -5 ये फर्स्ट इक्वेशन पेयर के लिए सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पेयर, वो आप लोग कीजिए जी। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पेयर। नाइन एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -63 है। हाँ जी भाई, सेट हाँ जी हो गया बच्चों। यस यस, यस यस क्या वैल्यू आई जी? बदोबदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने कॉल देखी, बदल ये अचता। कर, म्यूट कर दो सबको। कौन है देखो जा रहा है, कौन है? हटा दो इसको, रिमूव कर दो। खुश है बेटा बजा के? एग्जिट करें। और चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द लीनियर इक्वेशन, हाँ जी, कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस। अच्छे, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर के हमारे ना डिफरेंट स्केल्स होते हैं। सेल्सियस स्केल सबको पता होगा जी, यस और नो? यस व्हाट इज द यस यस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर होता है बेटा एक केल्विन स्केल, वो जो आप पढ़ते हो 9th में। अब थर्ड फ़ारेनहाइट यस सही स्केल, ये वाला स्केल हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट। यस, कहाँ पे? वेयर वी यूज दिस? डॉक्टर्स यूज करते हैं, हाँ जी, डॉक्टर यूज करते हैं दोनों, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। डॉक्टर नहीं, कैल्विन और सेल्सियस तो पता है, मैं फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ यूज होता है? थर्मामीटर में वेरी गुड बेटा, कौन है ये थर्मामीटर वाला? हमारा जब टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, जब फीवर होता है कहते हैं नहीं 100 बुखार रह गए, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है बच्चे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, राइट? सी इज इक्वल टू 5f-160/9, राइट? सो इस रिलेशन से हम सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। ये विजिबल नहीं है आई थिंक सबको, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज द, इज इट क्लियर बच्चों? नाउ अब हमारे को टेम्परेचर गिवन है 80 फ़ारेनहाइट, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। सो फ़ारेनहाइट मतलब जहां पे एफ है, एफ के प्लेस पे 80 पुट कर दीजिए जी।
इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू निकालिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, कितना आया? दिस कम्स आउट टू बी 240/9। सर सर यस 80, सिज 80 बाय सर 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 26.67 डिग्री, राइट 64 बच्चों? तो सर वी कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, इज यस इट क्लियर? यस यस फिनिश आर क्लास विद दिस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू सर सर, थैंक यू फॉर टीचिंग अस। ओके बच्चों, वेलकम जी, बाय सर, बाय बाय सर।